यार दिल से खुशी हो रही है, पता है क्यों? क्योंकि 2024 की शुरुआत सिनेमा की एक्सपेक्टेशंस को लेकर के काफी बढ़िया हुई है। साल की दूसरी मूवी मैंने देखी, श्री राम राघवन की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म मेरी क्रिसमस, काफी सुकून से एंड वर्थ इट रही। वैसे तो डायरेक्टर साहब का नाम सुनकर ही मूवी देखने का मन हो जाता है, लेकिन बिना किसी पिक्चर को देखे उसके बारे में प्री थॉट बनाने वाली आदत आपका दिल तोड़ सकती है, मेरा भी तोड़ सकती है, इसलिए मैंने ऐसी आदत डाली नहीं है। और यही वजह है कि पिक्चर देख करके अच्छी अच्छी सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि बड़े दिनों बाद एक ग्रिपिंग कहानी देखने को मिली है जिसमें हीरो मर्डरर की सजा काटकर आ चुका है। हीरोइन मर्डर करके बैठी है, लेकिन हीरोइन के मर्डर की सजा भी अब हीरो को ही काटनी पड़ेगी। लेकिन आज ही हीरो हीरोइन पहली बार मिले हैं। एक मिनट, ये कैसी कंफ्यूजन है, ये सब क्या पहेली चल रही है? श्री राम राघवन ने एक चक्रव्यूह रचा है जिसे भेदने के लिए आपको सिनेमा हॉल जाना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। अगर आपके अंदर 2.5 घंटे का पेशेंस है मूवी की डेप्थ को शुरुआत से आखिरी तक समझने के लिए, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि जिंदगी में जिनको बहुत ज्यादा जल्दबाजी है उनके लिए ये मूवी बनी भी है। और ना ही इसमें बदलापुर जैसा कोई सीन है शुरुआत में जो आपको सीट से टिकने का एक ऑप्शन दे देगा। पिक्चर थोड़े अजीब या एक सिंपल तरीके से शुरू होती है, कैटरीना कैफ विजय सेतुपति दोनों के सेम टाइम इंट्रोडक्शन के साथ में, एंड इंटरवल तक एक प्रॉपर टाइम लेती है, स्पेस लेती है कहानी को अपने हिसाब से डेवलप करने में, जो मे भी थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग फील हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं यही कहूंगी कि सेकेंड हाफ से बेहतर फर्स्ट हाफ थी, जिसमें दोनों कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर किया जाता है, उनकी कॉम्प्लेक्स लाइफ सामने आती है। वेयर सेकेंड हाफ में आपको थोड़ा आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि गाड़ी किस रास्ते पर जा रही है, कौन गुनेगार है कौन गुनेगार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी शायद आप क्लाइमेक्स का अंदाजा ना लगा पाओ। अब शायद वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि हो सकता है कि लीड रोल्स के बीच की केमिस्ट्री देख करके आप एक बार को प्रेडिक्ट कर लो कि लास्ट में क्या होने वाला है, जिसमें विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ ने काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है। इतना यूनिक पेयर देखने के बाद मेरा मन कब से आतुर था पिक्चर देखने के लिए, एंड यस दोनों ही लोगों ने बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल या ऑड नहीं हमें फील करवाया, या ऐसा नहीं लगा कि ये दोनों पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, स्पेशली विजय सेतुपति जो कि अपनी रियल लाइफ और रोल से इतने अलग अलग हैं। एंड आई समटाइम्स फील कि भाई एक इंसान जो मीडिया पब्लिक में इतना ज्यादा ऑकवर्ड महसूस करता है, वो हर बार हर तरीके के रोल में अपनी मदर टंग से अलग भी अपने आप को इतने अच्छे से कैसे रिप्रेजेंट कर लेता है। पर फिर इसका जवाब भी मेरे ही मन में आता है कि शायद इसको ही एक अच्छा एक्टर कहते हैं जो अपनी डिफरेंट पर्सनालिटीज को आराम से कैरी कर ले, कैमरे के सामने अलग और कैमरे के पीछे अलग। खैर, मैरी क्रिसमस एक प्योरली कंटेंट बेस्ड मूवी है, सस्पेंसिक कहानी के साथ में, दो लवर्स की है भी नहीं भी है। हाँ, वो जॉनी गद्दार और अंधाधुन जैसी पीकेस्ट श्री राम राघवन की मूवी तो नहीं कह सकते इसे हमें, पर हाँ अगर आप ये फिल्म देखने जा रहे हो तो ये आपको निराश नहीं करेगी, एंड यस सीट से भागने में हेल्प भी करेगी। स्पेशली फिर से वही विजय सेतुपति का क्यूट डांस और उनके सिली पिली जोक्स तो आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं महसूस करवाएंगे, इसीलिए मैं फिल्म को दूंगी 5 में से 3 हार्ट्स। बाकी यार कैप्टन मिलर का भी रिव्यू बहुत जल्द आने वाला है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी जल्दी वीडियो आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल।